दोस्तों वूट सेलेक्ट पर एक वेब सीरीज रिलीज हुई है जिसका नाम है द ग्रेट वेडिंग ऑफ मुन्नेस। ये जो वेब सीरीज है दोस्तों, उसके लीड रोल में है अभिषेक बैनर्जी, जो पाताल लोक वेब सीरीज आपने शायद देखी होगी अमेजोन प्राइम की, वहाँ पर हथौड़ा त्यागी का रोल उसने निभाया था। तो मतलब इस वेब सीरीज में भाई कॉमेडी किरदार में अभिषेक बैनर्जी एक अलग ही लेवल पर काम करते दिखे हैं। स्टोरी की बात अगर मैं आपको सिंपल सी भाषा में बताऊँ तो अभिषेक बैनर्जी यानी कि हमारे जो मुन्नेस है उसको लव हो जाता है। तो जो लड़की वाले हैं, मतलब कि जो लड़की है उसके दादाजी जो है वो अपनी लड़की की शादी कराना चाहते हैं उस लड़के के साथ जिसकी कुंडली मिलती हो, मतलब कि लड़का और लड़की की कुंडली मिलनी चाहिए। फिर चाहे लड़का कैसा भी हो, पैसे वाला हो, गरीब हो, किसी भी जात से हो, वो नहीं देखना है। तो फिर कुंडली जब मिलती है तो जो ये हमारे मुन्नेस है उसके साथ कुंडली नहीं मिलती है और दोष आता है। तो वो दोष जो है उसकी दवा ये है कि जो मुन्नेस है उसको किसी और लड़की के साथ शादी करनी पड़ेगी और उसके साथ शादी तोड़नी पड़ेगी। उसके बाद ही मुन्नेस जो है वो इस लड़की के साथ शादी कर सकता है। तो अब मुन्नेस जो है वो किस लड़की के साथ शादी करेगा, अगर करेगा तो उसके बाद डाइवोर्स करेगा या नहीं करेगा, वही हमें इस सीरीज में देखना है। दोस्तों देखिए, सीरीज जो है वो कॉमेडी है। आपको ये सीरीज देखना है तो पहले तो आप जो लॉजिक वॉजिक है, अपना जो दिमाग है वो सब बाहर छोड़ देना, उसके बाद ही इसको आप देखना स्टार्ट करना। वरना आप बोलोगी कि भाई ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा मत करना। सिर्फ और सिर्फ जो हो रहा है स्क्रीन पर वो देखना और एन्जॉय करना, तो ही आप इस सीरीज को एन्जॉय कर पाओगे। स्क्रीन प्ले की बात करो दोस्तों, तो स्क्रीन प्ले अच्छा है। जैसे ही वेब सीरीज स्टार्ट होती है सीधे पॉइंट पर आके अपनी जो स्टोरी है वो बताना चालू कर देती है। कॉमेडी वे में चल रही है और ऐसा नहीं है कि इलॉजिकल कॉमेडी है तो आपको बोर होने का मौका देगी। कई सीन, थोड़े सीन ऐसे हैं जो थोड़े शायद खींचे हुए मुझे लगे, बाकी आपको बोर होने का मौका ये वेब सीरीज आपको अंत तक नहीं देगी। और इसमें एक स्पेशली हॉरर वाला एलिमेंट थोड़ा सा डाला गया है, वो भी देखने में मज़ा आता है। परफॉर्मेंसेज भी इस वेब सीरीज में जितने भी कलाकार हैं सब ने अपने अपने काम को काफ़ी अच्छे से निभाया, और स्पेशली अभिषेक बैनर्जी का जो काम है वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। म्यूज़िक जो है वो डिसेंट है, प्रोडक्शन क्वालिटी भी डिसेंट है। तो भाई मैं तो आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास टाइम है तो इस वेब सीरीज़ को आप एक बार देखिए, ज़रूर एंजॉय करेंगे। मेरी तरफ से इस वेब सीरीज़ को 5 में से 3.5 स्टार। आपने ऑलरेडी देख ली है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए आपको कैसी लगी, और नहीं देखी है तो जाइए वूट सेलेक्ट पर, ये वेब सीरीज़ रिलीज़ हो चुकी है। धन्यवाद।